साथियों, एक बार फिर से आपका YouTube चैनल विट्टी ज्ञान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 12वीं क्लास के अंदर जो अपने पोइम कर रहे थे, उसी सिलसिले के अंदर अपने आज एक पोइम करेंगे या बॉयज सॉन्ग। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द अर्थ्स बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग्स टू मी। कवि यहाँ पे कहता है कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं। Because I set no snare, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं। But leave them flying free, उन्हें लीव छोड़ देता हूं। Flying free, स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं और स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए उन्हें मैं छोड़ देता हूं। इसीलिए कवि कहता है कि all the birds of the air belongs to me, सारे के सारे पक्षी जो आसमान के अंदर उड़ते हैं, एयर के अंदर उड़ते हैं, वो मेरे हैं। Because I set, I यहाँ पे कवि है, कौन जाल नहीं बिछाता है, पोइट जाल नहीं बिछाता है, तो क्या करता है, बट लीव दे, उन्हें छोड़ देता है फ्लाइंग फ्री, स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए। इसीलिए कवि कहता है कि ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग्स टू मी, यहाँ मी कौन है, यहाँ मी कवि है, सारे के सारे पक्षी किसके हैं, सारे के सारे पक्षी कवि के हैं। क्यों? क्योंकि वह जाल नहीं बिछाता है, इसीलिए उसके पक्षी है। अगर वह जाल बिछाता तो जाल में पकड़े गए पक्षी उसके होते, और जो नहीं पकड़े जाते वो उसके नहीं होते, वह थोड़े से पक्षियों का मालिक होता। अब वो कह रहा है कि मैं जाल बिछाता ही नहीं हूँ, इसलिए जो पक्षी थे सारे के सारे, वो सारे के सारे पक्षी, उन्हें मैं उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ, इसीलिए वो सारे के सारे पक्षी मेरे हैं जो आसमान में उड़ते हैं, क्योंकि मैं उन्हें पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता हूं। स्टेंजा नंबर 2 के अंदर कवि क्या कहता है कि फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, स्लो नामक झाड़ी पर बैठी हुई ब्लू टिट से लेकर के, ब्लू टिट यहाँ पे छोटी सी चिड़िया के लिए कहा गया है। यहाँ ब्लू टिट किसका प्रतीक है, सबसे छोटे पक्षी का प्रतीक है। यहाँ कवि कहता है कि ब्लू टिट से लेकर के और ईगल तक, ऑन द हाइट आसमान में ऊंचे उड़ने वाले ईगल तक, सारे के सारे पक्षी मेरे हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट एक चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया, सबसे छोटी चिड़िया से लेकर के जो कहाँ बैठी है, ऑन के ऊपर बैठी है, द स्लो नामक झाड़ी के ऊपर बैठी है, स्लो नामक जंगली झाड़ी के ऊपर बैठी हुई ब्लू टिट चिड़िया से लेकर के ऑन द हाइट ऊंचा आसमान में उड़ने वाले ईगल तक, सारे के सारे पक्षी मेरे हैं। फ्रॉम से कहाँ से, टू तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ब्लू टिट से लेकर के ईगल तक सारे के सारे पक्षी किसके हैं, सारे के सारे पक्षी कवि के हैं। कवि कहता है इसीलिए कि सबसे छोटा पक्षी जो कि ब्लू टिट है उससे लेकर के सबसे बड़ा पक्षी जो कि ईगल है उस तक सारे के सारे पक्षी मेरे हैं। यहाँ ब्लू टिट सबसे छोटे पक्षी का प्रतीक है, सबसे छोटे पक्षी को दिखाने के लिए यहाँ आया है, और ये ईगल है सबसे बड़े पक्षी को दिखाने के लिए। कवि कहता है कि सबसे छोटा पक्षी जो ब्लू टिट है, स्लो नामक झाड़ी पर बैठा हुआ, उसे लेकर के ऊंचा आसमान में उड़ता हुआ ईगल तक सारे के सारे पक्षी मेरे, यानी छोटे से बड़े सारे के सारे पक्षी जो आसमान में खुले विचरण करते हैं, उड़ते हैं, वो पक्षी मेरे हैं। अनकेज्ड, वे पिंजरे में बंद नहीं है, वे स्वतंत्र है, अनकेज्ड है, केज मींस पिंजरा, केज्ड पिंजरे में बंद, अनकेज्ड खुले, वो खुले हैं, दे वे पक्षी कम एंड गो, वे आते हैं और जाते हैं, वे स्वतंत्रता पूर्वक आते हैं और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट मेरी खुशी के लिए, फॉर माई डिलाइट मेरी खुशी के लिए, मुझे उन्हें देखकर अत्यधिक प्रसन्नता होती है, और वे मेरी खुशी के लिए कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनके लिए कोई जाल तो बिछाता नहीं हूँ, सारे के सारे पक्षी मेरे हैं, और ब्लू टिट से लेकर ईगल तक के सारे पक्षी मेरे हैं। अनकेज्ड कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, वो मेरी प्रसन्नता के लिए आते हैं और चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, कभी उनको देख करके बड़ा प्रसन्न होता है।
आगे स्टेंजा के अंदर कवि क्या कहता है कि एंड सो द सनवर्ड वे, और इस प्रकार सनवर्ड वे सन सूर्य वार्ड की तरफ, सूर्य की तरफ जाने वाला रास्ता है, यानी सूर्य की तरफ जो जाने वाला रास्ता है, सूर्य की तरफ आई सोर मैं ऊंची उड़ान भरता हूँ। सोर मिस फ्लाई इन द हाई, ऊंची उड़ान भरता हूँ। ऑन द ईगल्स विंग्स, ईगल के पंखों पर सवार होकर के। कवि क्या कहता है, इसी प्रकार ईगल जो पक्षी है वो उड़ता हुआ मुझे नजर आता है, मैं उसके अंदर मेरी भावनाओं को देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार वो उड़ रहा है मैं भी उसके साथ ही सूरज की तरफ उड़ता हुआ जा रहा हूँ। ईगल के पंखों पर सवार होकर यहाँ कवि कल्पना करता है कि वो उड़ता हुआ इस प्रकार खुश दिखाई देता है, मुझे इतनी खुशी होती है, ऐसा लगता है कि मैं खुद ईगल के पंखों पर सवार होकर के, ईगल्स विंग्स ईगल के पंखों पर सवार होकर के सूर्य की तरफ यानी कि ऊंचा आसमान में उड़ता हुआ जाता हूँ। यहाँ पे कवि ये बताना चाहता है, वास्तव में कवि ईगल के पंखों पर सवार होकर उड़ता हुआ नहीं जाता है, लेकिन उसको ऐसा महसूस होता है, वह ईगल को देखकर इतना खुश हो जाता है कि उसको लगता है कि ये ईगल उड़ के नहीं जा रहा है, मैं उड़ के जा रहा हूँ, और इसी प्रकार वह आनंद की अनुभूति करता है। आगे कहता है, एंड इन माई हर्ट, और मेरी हृदय के अंदर, और मेरे हृदय के अंदर ऑल डे पूरे दिन सारे दिन ब्लू टिट, द ब्लू टिट सिंग्स, जो ब्लू टिट नामक चिड़िया है वो गीत गाती रहती है, और मुझे मेरा दिन इतना सुंदर होता है, इतना खुशी भरा होता है पक्षियों को आते जाते देख करके, ऐसा लगता है कि सारे दिन जो ब्लू टिट चिड़िया है उसका जो गीत है वो मेरे हृदय में सुनाई देता है, मुझे ऐसा लगता है हर बार कि जो ब्लू टिट नामक चिड़िया है वो सुंदर सुंदर गीत गाती हुई मेरे आसपास ही घूम रही है। क्यों? क्योंकि जब वह स्वतंत्र होती है, खुली होती है, चहचहाती है, गीत गाती है, और वो गीत कवि को बहुत ही पसंद आते हैं। तो यहाँ सारे दिन कवि के हृदय में गीत कौन गाती रहती है? ब्लू टिट गाती रहती है। ईगल के पंखों पर सवार होकर कवि क्या वास्तव में उड़ान भरता है? नहीं, वह वास्तव में उड़ान नहीं भरता है, वह तो केवल उसको देख करके आनंद की अनुभूति करता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं आसमान के अंदर उड़ता हुआ जा रहा हूं। तो ये छोटी सी पोइम थी आपकी बॉय सॉन्ग। आपको कैसी लगी ये पोइम? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आगे इस क्रम में जो पोइम्स बच गई है उस पोइम्स को जो वीडियो के अंदर जल्द ही अपने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।